Hello guys, welcome back to Dramatic Science. It's me, Oyon. Today is the last and third lecture of the topic reflection. So let us see as kya describe karenge. So here are our topics. All seven topics. Right. First one is equation of plane mirror. I hope you have gone through lecture two there i have described equation of concave mirror and i have given a homework of convex mirror i hope you have learned lecture 2 right equation of convex and concave mirror next one is newton's equation number 3 linear magnification next aerial magnification axial magnification spherical aberration and some numericals related Reflection. Fine. So let us start with our first topic that is equation of plane mirror. So here is the calculation of plane mirror equation. We have known that for concave or convex mirror, that is for any kind of mirror, the equation is this one 1 by v plus 1 by u equals to 1 by टू बाई आर आर इज द रेडियस ऑफ कार्चर राइट फॉर प्लेन मीर वी कॉन्सिडर आर एज इन्फिनिटी सो इफ यू पुट इन्फिनिटी ओवर हेयर देन वट विल हैपन टू बाई इन्फिनिटी समथिंग बाई इन्फिनिटी इन मैथ्स इज जीरो राइट सो इट्स जीरो देन इस वन बाई यू को इस तरह भेज दिया माइनस हो जाएगा तो सिंपली क्रॉस किया यू इधर वी इधर और इस माइनस को इधर लाया गया सो दिस वन एक इंटरेस्टिंग चीज देखो वी एंड यू सेम है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लेकिन माइनस क्यू आया क्योंकि वो दोनों रिवर्स में है सपोज दिस वन इज अ प्लेन मिरर इस तरफ एक ऑब्जेक्ट है इसका सेम ही पोजीशन में इमेज होगा मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम होगा लेकिन वो तो अपोजिट डायरेक्शन में है दैट्स वाई माइनस बट इक्वल राइट वेरी सिंपल था ओके okay. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट न्यूटॉन्स इक्वेशन ऑफ मीर सो एज यू कैन सी हेयर वी हैव द कैलकुलेशन ऑफ न्यूटॉन्स इक्वेशन एट फास्ट आई वुड लाइक टू से न्यूटॉन्स इक्वेशन का मेन फंडा क्या है एक सिंपल चीज देखो हम लोगों ने जितना भी नो डिस्टेंसेस uh, इस फेनोमेनाज में इस रिफ्लेक्शन में कंसिडर किया है वो इस ओ की मदद से मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओ ऑल द डिस्टेंसेस हैज़ बीन कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू ओ ये तो साइन कॉन्वेंशन में ही था राइट मगर न्यूटन इज रियली अ क्लेवर मैन सो ही थॉट इफ वी कैन कॉन्सिडर द डिस्टेंसेस विथ रेस्पेक्ट टू फोकस वी आर कंसिडरिंग डिस्टेंसेज विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड ओ इज बट न्यूटन थॉट अगर एफ की मदद से विद रिस्पेक्ट टू एफ फोकस की मदद से अगर डिस्टेंस को नो मेजर करेंगे तो इक्वेशन मिरर इक्वेशन कैसे आएगा दैट वन इज सिंपली न्यूटन इक्वेशन ओके तो पहले ये जो ऑब्जेक्ट है पी क्यू इसका इमेज कहां पे होगा दिस वन उल्टा पी डैश क्यू डैश ये फोकल फोकस है ये सेंटर ऑफ कार्वेचर ये पोल तो ओ से क्यू दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओ से क्यू डैश दिस डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस ओ से एफ दिस डिस्टेंस स्मॉल एफ ये क्या है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ओके अच्छा इधर हम लोगों ने क्या लिया ये मॉड लिया ये है ये मॉड साइन है मॉड मतलब सिंपली वैल्यू लेंगे कोई साइन नहीं लेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है ओ क्यू उसको हमने यू लिया माइनस या प्लस नहीं लिया क्योंकि ये मॉड है यू इक्वल्स टू ओ क्यू ओ क्यू को कैसे लिख सकते हैं ओ एफ एफ क्यू ओ एफ एफ क्यू ओ एफ मतलब फोकल लेंथ एफ और ये जो एफ क्यू है एफ क्यू का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से एफ क्यू तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू फोकस उसको हमने एक्स पकड़ा है सिमिलरली इमेज डिस्टेंस दैट इज ओ क्यू डैश वी 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 को लेंगे ओ क्यू डैश मतलब ओ एफ एफ क्यू डैश ओ एफ एफ क्यू डैश ओ एफ तो फोकल लेंथ है और एफ क्यू डैश एफ क्यू डैश मतलब इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू फोकस सिंपल तो एफ क्यू डैश को हमने क्या लिया वाई U आया V आया इसको हमने मिरर इक्वेशन में पुट कर दिया एकदम सिंपल सिंपल सा कैल्कुलेशन होके ये आएगा ये कैलकुलेशन प्लीज़ अपने सी डब्ल्यू कॉपी में खुद करो मैंने स्टेप जम किया है करके देखो ये वाला इक्वेशन आता है कि नहीं सो एक्स वाई इक्वल्स टू एप स्क्वायर दिस वन इज न्यूटॉन्स इक्वेशन वेरी सिंपल नाउ एक चीज़ देखो अगर हम एक्स और वाई को दो एक्सिस पकड़ेंगे मतलब x ऑन द हॉरजेंटल एक्सिस y ऑन द वर्टिकल एक्सिस देन f स्क्वायर f तो फोकल लेंथ है और एक मिरर के लिए फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है देन f स्क्वायर दैट इज फोकल लेंथ स्क्वायर विल बी कांस्टेंट राइट तो xy कैसे लिख सकते हैं सिंस f इक्वल टू कांस्टेंट सो xy क्या होगा का स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट ही होता है इसका एक ग्राफ होता है एंड यू पीपल नो इट यू पीपल आर गुड इन मैथ्स ये किसका ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला राइट ये जो एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है इसका ग्राफ क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो दो चीज पता चला न्यूटन इक्वेशन और उस इक्वेशन का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस वन इज न्यूटॉन्स कैलकुलेशन राइट सो ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट आवर थर्ड टॉपिक दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन डेफिनेशन लिनियर मैग्निफिकेशन इसका सिंबॉल है स्मॉल एम लिनियर मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इमेज हाइट और इमेज लेंथ विथ ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट लेंथ इसका सिम्बॉल है आई और एच सफिक्स में आई ऑब्जेक्ट का ओ और एच सफिक्स में ओ ये आई ओ सफिक्स में है राइट right? सो so, ये तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है दैट्स वाई यूनिट नहीं है यूनिटलेस डायमेंशन लेस अच्छा टू इंपॉर्टेंट थिंग अगर एम पॉजिटिव है एम मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज अगर एम नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा दिस वन इज एन एम राइट सो अब मैग्निफिकेशन का आदर एक्सप्रेशन देखेंगे ये तो एम इक्वल्स टू आई बाई ओ दिस वन इज सिंगल एक्सप्रेशन इसका और एक एक्सप्रेशन देखेंगे सो हेयर वी हैव एन एक्सप्रेशन मैंने पूरा प्रूफ ही कर दिया अच्छा ये रे डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है मिरर इक्वेशन में हम लोगों ने जो रे डायग्राम किया था ये थोड़ा सा डिफरेंट है ओके अच्छा कनकेव कन्वेक्स दोनों का ही एक ही कैलकुलेशन है पहले कनकेव को देखते हैं ये कनकेव मिरर है ये फोकस है एफ ये सेंटर ऑफ कार्वेचर दिस वन इज द ऑब्जेक्ट एक लाइट कैसे जाएगा सिंपली सी होके जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आएगा दिस वन अच्छा और एक रे क्या है सिंपली ओ पॉइंट से गया उधर से रिफ्लेक्टेड होके निकल गया राइट तो इधर एक कटिंग पॉइंट क्रिएट हुआ उस कटिंग पॉइंट में एक उल्टा इमेज दिस वन पी डैश क्यू डैश अच्छा इधर देखो पी क्यू ओ पी क्यू ओ ये वाला ट्राइंगल पी डैश क्यू डैश ओ पी डैश क्यू डैश ओ एक ऊपर का एक नीचे का पी क्यू ओ ये ऊपर का बड़ा ट्राइंगल पी डैश क्यू डैश ओ नीचे का ये इमेज लेकर जो ट्राइंगल है वो वाला ये दोनों सिमिलर है कैसे सिमिलर है सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए टू एंगल्स मस्ट भी सेम तो ये एंगल Q एंगल और Q डैश का ये एंगल तो 90 डिग्री है आया समझ में दिस वन ये वाला एंगल ये वाला एंगल 90 डिग्री है ठीक है अच्छा और एक देखो इधर दिस वन ये एंगल क्या है ये तो इस रे का इंसिडेंट एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ये आई है तो ये तो आर होगा आर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर तो ये एंगल ये एंगल सेम है आया समझ में सो दैट्स वाई पी क्यू ओ पी क्यू ओ पी पी डैश ओ ये दोनों सिमिलर है सिमिलर का फंडा क्या है आर्म्स साइड का रेशियो सेम होता है सो पी क्यू पी ये वाला ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू डैश ओ क्यू डैश अच्छा पी क्यू मतलब ये तो ऑब्जेक्ट का हाइट है दैट इज़ ओ प्लस ओ पी डैस क्यू डैश मतलब इमेज का हाइट लेकिन वो तो नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है साइन कन्वेंशन फिर से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा तो वो माइनस होगा दैट्स वाई माइनस आई ओके अच्छा नेक्स्ट ओ क्यू ओ क्यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू ओ क्यू डैश इमेज डिस्टेंस माइनस वी दिस वन तो ये माइनस माइनस कट जाएगा इसको उल्टा कर देंगे तो ये आएगा माइनस वी बाई यू एम यही कैलकुलेशन कन्वेक्स में भी होगा मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं किया कहाँ पे चेंज होगा ये वाला ओ आई यू वी इसका जो साइन है इस साइन में चेंज होगा तो तुम लोगों का टास्क ये है कि ये सेम कैलकुलेशन कॉन्वेक्स के लिए करके मुके मुझे भेजो एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ उसमें भी आंसर सेम आएगा तो बेसिकली यू नो द आंसर माइनस वी बाई यू ही आएगा कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों का ही एम माइनस वी बाई यू आएगा आया समझ में इसमें भी ये ट्रायंगल लेना होगा पी क्यू ओ पी क्यू ओ पी डैश क्यू डैश ओ पी डैश क्यू डैश ओ ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल छोटा सा ये दोनों सिमिलर है कैसे सिमिलर है ये तो 90 डिग्री है दिस टू वन 90 डिग्री अच्छा और एक चीज देखो ये एंगल सॉरी ये एंगल ये एंगल सेम है दिख रहा है ये ऊपर उप, सा छोटा सा एंगल ये ये दिस वन इज आई दिस वन इज आर आई इक्वल्स टू आर सेम है और ये एंगल और ये एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट है दिस टू वर्टिकली ऑपोजिट तो ये दोनों सेम हुआ इसका मतलब ये दोनों सेम है आया समझ में तो ये सिमिलर है फिर इसमें सिंपली यही अप्लाई करके ये करके मुझे आंसर भेजो राइट सो दिस वन इज द लीनियर मैग्निफिकेशन इसका और एक नाम है दिस वन इज समाइम्स कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसका और एक नाम है दैट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और एक नाम भी है लैटेरल ये बस लिख के रखो जान के रखो लिनियर मैग्निफिकेशन का तीन नाम है लिनियर ट्रांसवर्स और लैटरल आया समझ में सो दिस वन इज लिनियर मैग्निफिकेशन नेक्स्ट चलेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट दैट इज दिस वन एरियल मैग्निफिकेशन सो ये देखो एरियल मैग्निफिकेशन एकदम छोटा सा डेफिनेशन है इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज इमेज का जो एरिया है उसका और ऑब्जेक्ट का जो एरिया है उन दोनों का रेशियो इज एरियल मैग्निफिकेशन राइट अच्छा है. ये इसका सिंबल है एम डैस इसके साथ लिनियर मैग्निफिकेशन दैट इज एम का रिलेशन क्या है दिस वन वेरी सिंपल ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्ट चलते हैं दैट इज एक्सियल मैग्निफिकेशन नेक्स्ट वी हैव एक्सियल मैग्निफिकेशन दैट इज एम डबल डैश इसका डेफिनेशन क्या है डीवी डीवी मतलब चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये एक डिफरेंशियल फॉर्म है मैथ्स का जो डिफरेंशिएशन है उसका एक्सप्रेशन है तो एम डबल डैश इक्वल्स टू डी वी डी यू अच्छा आप लोग एक काम करो मुझे एम डबल डैश दैट इज एक्सियल मैग्निफिकेशन और एम मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन होगा वो मुझे करके मैसेज करो ये आपका होम टास्क है दिस वन काफ़ी सारा होम टास्क दिया तो प्लीज़ याद रखना मुझे प्लीज मैसेज करना तो एम डबल डैश और एम इन दोनों का रिलेशन मुझे मैसेज करो आई कैन गिव यू सम हिन्स आप लोगों को ये जो रिलेशन है इसका हेल्प लेना होगा ताकि एम डबल डस और एम का रिलेशन निकाल सके एंड आई एम टेलिंग यू द आंसर आंसर क्या होगा आंसर होगा एम डबल डस इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर ओके तो फटाफट मुझे करके मैसेज करो थ्रू इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन और नो मेल कुछ भी आई विल गिव दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो Done So next the sixth topic that is spherical aberration. So now we have the definition of spherical aberration. Basically, spherical aberration is an error of spherical mirror. Parallel rays after reflecting on mirror don't meet at a single point on the axis and creates multiple foci. This error is called collaboration. See, इधर काफी सारा पैराल रेज है यह मिरर है लेकिन ये जो पैराल रे एक पॉइंट पे मीट नहीं हुआ दैट्स वाई देर आर टू पॉइंट एफ वन एफ टू सो इसलिए क्या होता है अगर इस मिरर की मदद से कोई इमेज देखने जाए दैट इमेज विल भी हेजी ड्यू टू मल्टीपल फोकस दैट इज फोसिंग राइट सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड स्पेरिकल एबरेशन इसको कैसे हम नो एलिमिनेट कर सकते हैं रेमिडीज क्या है दोज आर द रेमिडीज आई होप यू कैन सी इट द होल थिंग नंबर वन इज यूज सिंगल फोकस्ड पैराबोलिक मिरर अगर ये ये वाला पैराबोलिक मिरर यूज करेंगे जिसका एपर्चर कार्व्ड है फ्लैट नहीं कार्व है सो so देखो एक फोकस क्रिएट होगा सेकेंड क्या कर सकते हैं ऑप्स्टैकल यूज कर सकते हैं लाइक दिस वन एक ऑबस्टैकल बिठा दिया रे की रास्ते पे तो क्या होगा रे तो ऑब्सटैक्टेड हो जाएगा उसकी मदद से हम एक सिंगल फोकस क्रिएट कर सकते हैं ये बेसिकली एक सिंपली एरर है उतना ज़्यादा कुछ नहीं राइट right? तो ये हुआ पॉइंट नंबर सिक्स नेक्स्ट चलेंगे पॉइंट नंबर सेवन दैट इज लास्ट टॉपिक न्यू की तरफ सो so, हमारा पहला सम क्या है डिराइव द रिलेशन बिटवीन एम एम मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन वी वी मतलब इमेज डिस्टेंस और एफ दिस वन एफ एफ मतलब फोकल लेंथ इन तीनों का रिलेशन निकालना है पहले हम लोगों को क्या पता है एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू एंड वन बाई वी वन बाई यू वन बाई एफ एम होगा वी होगा और यू की जगह एफ होगा तो इस इक्वेशन से मिलर इक्वेशन से यू निकालेंगे वन बाई वी को उस तरह भेज दिया तो सिंपली एल सी एम वी एफ वी ऊपर एफ इधर वी माइनस एफ इसको उल्टा कर दिया तो यू इक्वल्स टू वी एफ बाई वी माइनस एफ राइट इस यू को इधर बिठा देंगे दैट इज एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई क्या होगा इस यू को इधर बिठाएंगे तो दिस बाई दिस वी वी कट गया ये वी माइनस एफ पूरा ऊपर चला जाएगा माइनस है ख्याल रखना माइनस वी माइनस एफ बाई एफ राइट अच्छा माइनस को अंदर घुसा देंगे माइनस वी बाई एफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ बाई एफ वन हो जाएगा सो दे आर फोर एम इक्वल्स टू वन माइनस वी बाई एफ दिस वन इज अ रिलेशन ठीक है आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को मुझे एम यू और एफ इन तीनों का रिलेशन करके भेजना है फटाफट से मैंने एम वी एफ एम वी एफ का रिलेशन निकला आप लोगों को एम यू एफ का रिलेशन निकालना है ठंडे दिमाग से सोचो कैसे करना है फटाफट करके मुझे भेजो तब तक हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल टू की तरफ So here we have our second sum. An object is placed in between focus and pole of a concave mirror. Find the magnification of the image. तो एक ray diagram, rough, rough ray diagram draw कर सकते हैं. Like this, ये F है, ये sorry, C है. This one is O. अगर इधर object होगा, तो image किस तरफ होगा? Image इस तरफ होता है. ओ आर एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज मिरर के उस तरफ होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इन बिटवीन फोकस एंड पोल तो इधर क्या लिख सकते हैं वी नो यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा माइनस एफ बाई टू क्योंकि ओ आर ओ से एफ पूरा एफ है मिडल में ऑब्जेक्ट है तो यू होगा माइनस एफ बाई टू अच्छा ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ क्या होता है माइनस एफ कॉनकेव है कॉन्केव का फोकल फोकलन माइनस होता है हम लोगों को क्या निकालना है मैग्निफिकेशन दैट इज़ एम राइट अच्छा वी नो वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स टू क्या है वन बाई एफ़ ये फॉर्मूला है वह वी तो नहीं पता सिंपल वन बाई वी रखेंगे एफ यू क्या है माइनस एफ बाई टू तो वन बाई माइनस एफ बाई टू राइट और एफ क्या है एफ तो माइनस एफ है दिस वन तो वन बाई वी इसको ऊपर कर देंगे माइनस टू बाई एफ दिस वन अच्छा माइनस टू बाई एम एफ को उस तरफ भेजेंगे माइनस वन बाई एफ प्लस टू बाई एफ क्या आएगा वन बाई एफ तो वी कितना हुआ सिंपली एफ वी एफ मतलब ये जो डिस्टेंस है एफ है और एक चीज देखो इस जो इमेज का पोजीशन ओ से इस पॉइंट कि यू तक मेजर होगा तो ये तो जिस तरफ लाइट जा रहा है मतलब इन द डेक्शन ऑफ लाइट है तो डेफिनेटली वी पॉजिटिव आना चाहिए था देखो वी पॉजिटिव ही है वी इक्वल टू प्लस एफ ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे नाउ मैग्निफिकेशन एम इसका फॉर्मूला क्या है माइनस वी बाई यू राइट अच्छा वी क्या है सिंपली एफ यू क्या है माइनस एफ बाई टू माइनस माइनस कट गया ये एफ एफ कट जाएगा ये टू ऊपर चला जाएगा सो दिस वन इज़ द सम वेरी सिंपल मैग्निफिकेशन का वैल्यू है सिंपली टू आया समझ में इसको अपने कॉपी में कर लो सो so बस दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर आई होप यू हैव लर्न एंड गेन सम नॉलेज फ्रॉम ऑल द थ्री लेक्चर्स ऑफ रिफ्लेक्शन राइट बस मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक, तक बस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना सब्सक्राइब करते रहना कमेंट करके ज़रूर बताना और जो मैंने टास्क दिया है प्लीज़ उसे फुलफिल करके मुझे भेजना तो मी और साइनिंग आउट चलिए चलते हैं नमस्कार बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम